शहर में सर्वत्र शारदीय नवरात्र की धूम है। माता रानी के भक्त पूरी श्रद्धा और लगन से नवदुर्गा माता की उपासना में लगे हुए हैं। वहीं मंदिरों को भी उचित रंग कर विद्युत सजावट से सजाया गया था तथा अनेक पुरातन सिद्ध मंदिरों में मनोकामना घटों की स्थापना की गई। वैसे तो इस वर्ष मार्च माह से ही जानलेवा कोरोना महामारी के चलते किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन पूजा पाठ पर शासन द्वारा लगाई गई बंदी के कारण अनेक त्योहार सादगी से ही मनाए जा रहे हैं, किंतु पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आने से भाविकों में उत्साह वर्धन होना लाजमी है। फिर भी अनेक देशों में कोरोना संक्रमण के वापसी को देखते हुए माता के भक्तों के साथ साथ मंदिर व्यवस्थापन सतर्कता बढ़ते हुए है, जिसके चलते मंदिरों में भक्तों की भीड़ कम ही दिखाई पड़ रही है और माता रानी के भक्त अपने अपने घरों में ही माता रानी की उपासना करने में लीन है। कोरोना महामारी के चलते मंदिर और रास्ते सूने पड़े हैं। न मंदिरों ढोल नगाड़े न दांडिया और तो और प्रातः 5 बजे सुबह से ही माता मंदिरों में विशेषतः महिला भक्तों से पटे पड़े रहते हैं। वहां अब गजब की खामोशी नजर आ रही है। माता रानी के भक्त माँ महिषासुर मर्दिनी बस एक ही कामना करते नजर आ रहे है, माता इस कोरोना महामारी का मर्दन करे और हमारा जनजीवन फिर से एक बार पहले की तरह करे। शहर के करीब मोहपा टी पॉइंट स्थित पुरातन नीम वाला मात हिंगलाज माता मंदिर, बस स्थानक परिसर स्थित पुरातन सटवा माता मंदिर, स्मशान भूमि स्थित माँ मराय माता जय माता दी दुर्गा मंदिर, गड़करी चौक, जूना धान्यगंज, चीचपुरा, शीतला माता मंदिर, पहले पार, माता खेड़ी आदि मंदिरों में माता की मनोकामना ज्योत प्रज्वलित कर उपासना की जा रही है। तो प्रगति दुर्गा उत्सव मंडल सहित अनेक सार्वजनिक स्थानों पर नवदुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित कर नवरात्र उत्सव सादगी से मनाया जा रहा है। वीचो विस्तार के लिए किशोर ढूंढेले सावनेर।